ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिजली निजीकरण को लेकर एक बार फिर जिला कलेक्टर को आमदार जितेंद्र अवार्ड, आनंद परांजपे, शमीम खान, नगर सेवकों ने मेमोरेंडम दिया है। यानी मुमरा, कलवा, दिवा ऐसे और भी परिसरों में बिजली निजीकरण रद्द करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सभी दलों ने मिलकर आंदोलन किया था। उस वक्त ऊर्जा मंत्री बावन कुले ने कहा था कि सभी दलों के लोगों के साथ बैठक होगी, मगर नहीं हुई। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी निजीकरण पर स्टे की बात की थी, मगर एक बार फिर अब टोरेंट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग निजीकरण रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं टोरेंट के खिलाफ लगभग सभी दल एक हो गए हैं। लोगों का कहना है कि शहर में टोरेंट की जरूरत नहीं है, महावितरण को ही बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। वहीं मेमोरेंडम देने के बाद आमदार जितेंद्र आभाट की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। निजीकरण पर टोरेंट का एक भी अगर कर्मचारी इलाके में दिखा तो अंजाम क्या होगा? यानी टोरेंट को लेकर अब कानून भी हाथ में लेने को तैयार हैं। दरअसल अगर लोग चाहते हैं तो बिजली प्राइवेट की जाएगी। मेमोरेंडम देने के बाद आमदार जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है? ऐसा है कि हम बार बार शासन से बोल रहे थे कि तुम टोरेंट के मामले में जब तक यहाँ की जनता हाँ नहीं कहती तब तक निर्णय न लिया जाए। अगर सरकार को ये लग रहा है कि हमारा निर्णय हम जबरदस्ती लाद देंगे, लोगों के ऊपर डाल देंगे और जनता उसका स्वीकार कर लेगी, तो हम नहीं करेंगे। जब तक जनता से बात नहीं होती सरकार के कुछ लोगों की, और वो भी जो लोग जो निर्णय प्रक्रिया में है, तब तक हम किसी भी प्राइवेटाइजेशन का स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उसके लिए कानून हाथ में लेना पड़ता है तो हम कानून हाथ में ले लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से एक तरफा निर्णय लेके टोरंट को मुमरा, कलवा, शील, डाइगर इस परिसर में आने नहीं देंगे। मेरी सभी पार्टियों के नेताओं से बात हुई, हमारे सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है, हम बड़ी कड़ी रुख से बात कर रहे हैं। और हमको शिवसेना के नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासित किया था कि इसके ऊपर स्थगिति आएगी, ऐसा नहीं हुआ है। हमको बावन कुले जी ने कहा था कि मैं सभी से बात करूंगा, ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले में अगर सरकार को लगता है कि जनता को रगड़ देंगे तो जनता मर जाएगी, लेकिन खुल के विरोध करेंगी, खुल के उसका सामना करेगी, और टोरेंट का एक भी आदमी अगर उस इलाके में दिखा तो उसका अंजाम अगर गलत हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। बिजली निजीकरण को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोग निजीकरण की रद्द करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। टोरेंट के खिलाफ दशरथ पाटिल के नेतृत्व में आंदोलन भी हो चुका है। उस वक्त भी मीम उम्रेकर के लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी। उस बार भी बिजली निजीकरण रद्द करने का आश्वासन मिला था, मगर अब निजीकरण के खिलाफ एक बार फिर आक्रोश सबके सामने है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।